नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मेरा नाम है संदीप वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वाटर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे उसे सोर्स सोर्स uh, से लेकर के एंड यूजर तक मतलब हमारे घर तक पहुंचाया जाएगा इसी के बारे में इस सेशन में बात करेंगे अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी हमारे एग्जाम रिलेटेड क्लास रिलेटेड अपडेट्स हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगे अगर आपने अभी तक अपनी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं संदीप जानी सिविल इंजीनियरिंग नाम से ये प्ले स्टोर पर ऐप है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा हमारे सेशंस दो प्रकार के हैं मंडे टू फ्राइडे 9 पीएम एम यूट्यूब पर हम पढ़ रहे थे मंडे टू फ्राइडे 9 पीएम अभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हमने पढ़ा इससे पहले स्टील डिजाइन पढ़ा था साथ ही साथ में दोस्तों ऐप के ऊपर सुबह नौ बजे ग्यारह बजे हमारे सेशंस चल रहे हैं और अभी फ्लूड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं जैसे फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो तो आपको जो अपकमिंग सेशन होंगे वो यहाँ पर लाइव टैब में आपको शो होंगे लाइव एंड अपकमिंग में आपको शो होंगे जो लाइव देखने हैं आपको जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको जाना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाएंगे सब्जेक्ट में जाके आपको वहां पर चैप्टर वाइज फोल्डर्स दिखेंगे फिर जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने सेशनस से हैं वो दिखेंगे और उनकी पी साथ में आपको दिख जाएंगे तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स की डिटेल्स आप देखने के बाद वहां पर ऑप्शन आएगा बाय नाउ के बाद में Code, तो यूज कूपन कोड तो न्यू स्टार्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको टेन परसेंट इंस्टेंट ऑफ मिलता है शुरू करते हैं दोस्तों हमारा टॉपिक सोर्स ऑफ वाटर हमारे लिए पानी का सोर्स क्या क्या हो सकता है हम किसी रिवर से ले सकते हैं कैनाल से वाटर जो है वो हमारा आ सकता है वेल से आ सकता है इनफिल्ट्रेशन गैलरी से आ सकता है तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होती है किसी रिवर के साइड में पैरलि टनल चलती है एक तरीके की आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वेल होता है कुआं होता है लेकिन वो हॉरिजोंटल है आपकी रिवर ऐसे फ्लो कर रही है अब इस रिवर के पैरलली आपने यहाँ पर एक टनल बनाई इसके सीपेज के थ्रू वाटर इसके अंदर आएगा और यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सो हॉरिजोंटल टनल कंस्ट्रक्टेड एट शेलो डेप्थ अलॉन्ग रिवर थ्रू वाटर बियरिंग स्ट्रेटा ऐसा स्ट्रेटा जिसमें पानी है वहां से हम पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरी से इनफिल्ट्रेशन वेल well भी हो सकते हैं यहाँ पे हम वेल well बना सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सकेवेशन कर रहे हैं हम यहाँ और इससे पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम तो इनफिल्ट्रेशन वेल well हो सकते हैं स्प्रिंग्स हो सकते हैं कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर अगर लेट से ग्राउंड जो है वो आपका ऐसा कुछ था और इसमें ग्राउंड वॉटर टेबल ऐसे निकल करके आ रही है ग्राउंड वाटर टेबल कुछ इस तरीके से थी और किसी पर्टिकुलर लोकेशन से ये ग्राउंड से बाहर आ रही है झरने के रूप में आ रही है स्प्रिंग के फॉर्म में आ रही है तो आप यहां से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो अब साथ ही साथ में इस पानी के अंदर क्योंकि ये सॉइल के थ्रू आ रहा है स्ट्रेटा के थ्रू आ रहा है इसमें सल्फर भी हो सकता है जिसके कारण टेम्परेचर आपको उसका ज्यादा देखने को मिलता है जो भी आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं या धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहां पे आपको एक गर्म पानी अगर देखने को मिलता है तो उसका रीजन होता है ठीक है हम उसको हमारी आस्था से भी जोड़ते हैं यहाँ पे उसके अंदर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उसमें सल्फर की क्वांटिटी होती है जिससे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा देखने को हमें मिलता है उसमें हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं हम उन्हें वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कन्वे करना एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएंगे और सोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास पहला ग्रेविटी के थ्रू हम करवा दें दूसरा पंप करके हम करवाएं पंपिंग सिस्टम के थ्रू तीसरा हो सकता है कंबाइंड सिस्टम थोड़ा पंप करके स्टोर कर लिया फिर ग्रेविटी के थ्रू हमने उसे सप्लाई कर दिया अब ये तो हो गए हमारे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके या सिस्टम्स अब सप्लाई कंटिन्यूस रखनी है यानी कि एवरी टाइम हर हर समय एनी टाइम वाटर अवेलेबल हो तो कंटिन्यूस सप्लाई कहलाएगा अगर वाटर सुबह दो घंटे शाम को दो घंटे इस तरीके से सप्लाई करना है तो उसे बोलते हैं इंटरमीटेंट सप्लाई तो कंटिन्यूस सप्लाई सिस्टम हो सकता है या फिर इंटरमीटेंट हो सकता है आप सुबह शाम एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग पानी प्रोवाइड कर सकते हैं लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो पूरा पाइपलाइन का सिस्टम आप वहां पर ले करेंगे वहां पर बिछाएंगे आप उसके अंदर सबसे पहले एक मेन पाइप होगी फिर सब मेन होगी सब मेन के आगे लेटरल्स होंगे फिर उनकी ब्रांचेज होंगी और उन्हीं को जोड़ने के लिए जो कनेक्शन होंगे वो होंगे या घर तक पहुंचाने के लिए जो आपके सर्विस कनेक्शन होंगे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप आर लेड अलॉन्ग द रोड्स और बिलो द फुटपाथ डिपेंडिंग अपॉन लोकल कंडीशन देर कैन बी सेवरल टाइप्स ऑफ सिस्टम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स हैं इन्हें आप रोड्स के किनारे किनारे या फुटपाथ के साइड में आप वहां पर उन्हें लगा सकते हैं डेड एंड सिस्टम या ट्री सिस्टम जैसे ट्री होता है ट्री में क्या होता है एक जगह से ये पेड़ था आपका इसकी थी ऊपर ब्रांचेस आ गए तो यहां से स्टेम से चले फिर यहां ब्रांच निकल गए इस ब्रांच के आगे सब ब्रांचेस निकल गए इसकी सब ब्रांचेस एंड सो ऑन तो ये क्या हो रहे हैं डेड एंड्स फॉर्म हो रहे हैं ये फर्दर किसी और पॉइंट पे कनेक्ट नहीं हो रहे तो ट्री सिस्टम या डेड एंड सिस्टम में क्या होगा पाइप जो है, जैसे पुराने सिटीज में होता था, एक में पाइप चली और किसी एक पॉइंट पे जा करके डेड एंड आ गया अब ये डेड एंड सिस्टम वहां पे ज्यादा यूज किया गया जहां पर पुराने सिटी थे पहले प्लान करने का मौका नहीं मिला लोग पहले बस चुके हैं अब पानी प्रोवाइड करना है तो डेड एंड सिस्टम जो है वो होगा लेकिन डेड एंड का नुकसान क्या है अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एक जगह कोई ब्लॉकेज आ गया अगर एक जगह पर ब्लॉकेज आ गया लेट से वो ब्लॉकेज यहां पे आ गया तो इससे आगे की पूरी सप्लाई रुक जाएगी इसके आगे की पूरी सप्लाई रुक जाएगी अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेट से इस पॉइंट के बियॉन्ड ज्यादा पानी यूज नहीं किया तो स्टेगनेंट वाटर भी रहेगा यहां पर रुका हुआ पानी भी रहेगा तो ये कुछ इश्यूज आते हैं डेड एंड सिस्टम के अंदर ओल्ड टाउन्स के लिए जहां पर पहले से घर बस चुके हैं अनप्लैंड तरीके से वहां पे यूज होता है इट इज इजी टू डिजाइन एंड चीप एंड सिंपल डिजाइन करने के लिए आपको इसके अंदर कुछ ऐसा खतरनाक सिस्टम तो करना नहीं जैसे जैसे आप जिस स्ट्रीट के अंदर एंटर करते गए या स्ट्रीट के अंदर आगे फर्दर घरों को कनेक्ट करते चले गए आप तो ऐसा सच कोई डिजाइन में प्रॉब्लम नहीं आई डिसएडवांटेज की बात करें तो वाटर न रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली थ्रू वन रूट सिर्फ एक ही रूट पॉसिबल है अब इस पूरे रूट के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत आ गई तो आगे पानी पहुंच नहीं पाएगा एक ही डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वॉटर रहेगा यहाँ पे कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पर पानी स्टेगनेंट रहेगा रुक जाएगा सर्कुलेट नहीं हो पाएगा स्टेगनेंट वॉटर होगा जो कि अनहेल्दी रह जाएगा हमारे लिए स्टेगनेंट वॉटर हैजू बी रिमूव्ड पीरियोडिकली एंड दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ ट्रीटेड वाटर ट्रीट किया हुआ पानी वेस्ट होगा अगर कहीं पर कोई रुका हुआ पानी कोई स्टेगनेंट वाटर एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद ग्रिड आयरन सिस्टम ग्रिड आयरन सिस्टम कैसे जैसे आप देखते हैं आपके रूम के अंदर जो टाइल्स लगी हुई होंगे उन टाइल्स का ग्रिड बना हुआ है आपके फोन के अंदर जो मेन्यू होता है उसके अंदर एप्स का ग्रिड बना हुआ होता है तो ग्रिड सिस्टम के अंदर हम एक मेंस जो है वो बिछाएंगे के बाद सब मेन्स चलेंगी और फिर उसके बाद लेटरल चलेंगे ये पूरे एक ग्रिड पैटर्न के अंदर इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप्स बनाते हुए चलेगा पूरी की पूरी ऐसे ग्रिड बनेगी अब इसके फायदे क्या हैं अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज आ गया अगर यहाँ ब्लॉकेज आ गया तो भी सप्लाई रुकेगी नहीं है इस पूरे एरिया में पानी देना है आप यहाँ से दे सकते हैं यहां से दे सकते हैं यहाँ से दे सकते हैं डाइवर्ट कर सकते हैं अलग अलग रूट्स के थ्रू तो ये इसके कुछ बेनिफिट हो गए यहाँ पर डिसएडवाटेज की बात करें या फिर चैलेंजेस की बात करें तो इसके एप्स में आपको यहाँ पर पाइपलाइन या जो आपकी कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी यहाँ पर इसको रेटिकुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं एक मेन पाइप सेंट्रल रीजन के थ्रू चलेगी यहाँ पर और उसके बाद उसकी सब मेन्स और ब्रांचेस चलेंगी ग्रिड पैटर्न के अंदर और ग्रिड पैटर्न में ऐसे कुछ कि ये इससे कनेक्टेड होगी ये इससे कनेक्टेड होगी ये इससे कनेक्टेड होगी सारी इंटर कनेक्टेड हैं एडवांटेज इसमें कोई डेड एंड नहीं है पानी सर्कुलेट होता रहेगा कोई डेड एंड फॉर्म नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ फायर कहीं पे भी अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर आग लग गई से यहां पे लगी तो बाकी सारी सप्लाई को रोक करके सारा पानी यहां पर डाइवर्ट किया जा सकता है हर एक लोकेशन का यहां का पानी भी है उसे भी डाइवर्ट करके यहां पे लाया जा सकता है ये इसके कुछ बेनिफिट हो गए डिसएडवांटेज की बात करें तो डिजाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पर आपको पाइपलाइंस का साइज ज्यादा लेना पड़ेगा और ज्यादा नंबर ऑफ पाइप एंड देयर कंपोनेंट्स या जो हैं वो आपको लेने होंगे पे इनके जॉइंट्स ये सब आपके ज्यादा यूज होंगे इस मेथड के अंदर इट इज मोस्ट सुटेड फॉर अ प्लैंट सिटी प्लान सिटी के लिए यूज कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी इस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए नेक्स्ट आता है रिंग सिस्टम जिसको हम सर्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं इसके अंदर एक मेन पाइप पूरे एरिया के अराउंड एनक्लोज करती है उस पूरे एरिया को एनक्लोज करती है और उसके बाद उससे चलेंगी सब मेन लेटरल ब्रांचेस वो फर्दर आगे चलेंगे इसमें नेक्स्ट सिस्टम आता है रेडियल सिस्टम रेडियल सिस्टम के अंदर क्या होता है आप पूरे एरिया को जिसे पानी सप्लाई करना है उस पूरे एरिया को अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग जोन में डिवाइड कर देने के बाद हर जोन का एक ओवरहेड टैंक होगा क्या होगा ओवरहेड टैंक

सिस्टम कहलाता है रेडियल सिस्टम जब अलग अलग जोन में इसे हम डिवाइड कर देते हैं दिस मैथ हायर सर्विस हेड एंड एंडिशियंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आप एक हाइट के ऊपर ओवर हेड टैंक में पानी स्टोर कर रहे हैं फिर उसके बाद सप्लाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा हेड मिल जाता है वाटर जो है वो ईजीली काफी दूर तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है तो ये तो सिस्टम्स हो गए कि इस किस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें उसके पश्चात अगर हम बात करें कि वो कंड्यूट्स या जो पाइप्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो पहली होती है ग्रेविटी दूसरी प्रेशर कंड्यूट ग्रेविटी कंड्यूट्स का मतलब कि पानी उनके अंदर जा रहा है ग्रेविटी के कारण अपने आप फ्लो कर रहा है आप प्रेशर के अंदर फ्लो नहीं करवा रहे जैसे एक कैनाल होती है तो कैनाल में जो पानी फ्लो करता है वो ग्रेविटी के कारण फ्लो करता है कोई पंप थोड़ी ना लगा रखा है आपने कैनाल के अंदर जिससे कि वो पानी फ्लो कर रहा है अपने आप ग्रेविटी क्योंकि कैनाल को हमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर रखा है एक स्लोप प्रोवाइड कर रखा है उसके बेड को जिससे कि पानी उसमें बहता चला जाए तो जो भी ओपन चैनल फ्लो होता है उसके सरफेस के ऊपर एटमोस्फिर प्रेशर एग्जिस्ट करता है एटमोस्फिर प्रेशर इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है सिमिलरली आपके पास अगर कोई सर्कुलर चैनल है अगर ये पाइप अगर कोई पाइप भी हो तो इस पाइप के अंदर भी अगर ये पूरी पाइप कंप्लीटली वाटर से फिल्ड नहीं है तो इसके अंदर जो फ्लो होगा वो ओपन चैनल फ्लो जैसा होगा इसके अंदर फ्लो जो होगा वो ग्रेविटी फ्लो होगा वाटर के टॉप सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा जबकि प्रेशर कंड्यूट जो होंगी प्रेशर कंड्यूट पूरे तरीके से भरी हुई चलेगी और वाटर प्रेशर के थ्रू उसके अंदर फ्लो करेगा सो इन ग्रेविटी कंड्यूट वाटर फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो ग्रेविटी फ्लो कैन अकर इन पाइप कैनाल्स एक्विडक्ट फ्लूम्स एटसेट्रा तो ये उसके अंदर एग्जिस्ट करता है प्रेशर कंड्यूट्स की अगर हम बात करें तो प्रेशर कंड्यूट में पानी जो फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है प्रेशर के अंडर फ्लो करता है या फिर आप कह लीजिए आप पंप करके उसको फ्लो करवा रहे हैं किसी पाइप के थ्रू नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं पाइप्स जो अलग अलग टाइप की पाइप्स होती हैं मटैलिक पाइप्स होती हैं कास्ट आयरन की पाइप्स होती हैं जो ज्यादातर मेन्स के फॉर्म में यूज की जाती हैं इकोनॉमिकल होती हैं किफायती होती हैं और अनरिएक्टिव होती हैं उसके बाद आती हैं स्टील पाइप्स

so they are easily workable and lighter than cast iron pipes hence they are used as distribution inside a building halanki ab in sab ko replace kar diya hai pvc pipes ne ya CPVC pipes ne to wrought iron pipe agar objective mein question puch liya jata hai to ye terms dekhne ko milenge aapko प्रैक्टिकल use की बात करें तो आजकल बहुत कम use होती हैं ये non metallic pipe की बात करें तो RCC से बनी हुई pipes. अब RCC से जो pipe बनेंगी वो छोटे diameter की तो बनेंगी नहीं बड़े बड़े डायामीटर की बनेंगी जब बड़े डायामीटर की पाइप्स होंगी तो आप किसी सिटी की जो मेन पाइप है वो भले ही इसे आप बना लीजिए बिल्डिंग के अंदर या सर्विस पाइप्स के फॉर्म में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट पाइप्स हो सकती हैं वो और ज्यादा प्रेशर जो है उसको बियर करेगी एसबेस्टोज पाइप्स हो सकते हैं प्लास्टिक पाइप्स जिन्हें में आती हैं यूपीवीसी पाइप या फिर पॉलीथाइनिन पाइप्स या जी ग्लास रेनफोज पाइप्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आते हैं जॉइंट्स कौन कौन से जॉइंट यूज करते हैं एक होता है स्पाइगट जॉइंट स्पाइगट जॉइंट के अंदर एक तरफ बेल बनेगा एक तरफ स्पाइगट बनेगा यहाँ पे घंटी जैसी आकार बनेगी यहाँ पे स्पाइगट तो इसके अंदर ये फिट हो जाता है ये जो सॉकेट पाइप होती है इसके अंदर स्पाइगट वाली पाइप जो है है वो फिट हो जाती इसीलिए इसे बेल एंड स्पाइगट जॉइंट भी कहते हैं स्पाइगट जॉइंट को नेक्स्ट आता है कॉलर जॉइंट जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है कंक्रीट पाइप या आरसी पाइप के अंदर इसका इस्तेमाल होता है दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए इस कॉलर ज्वाइंट का एक्सपेंशन ज्वाइंट कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहां पे भी मेटेलिक पाइप्स हैं वो एक्सपेंड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर वेरिएशन के कारण तो वहां पे आप प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन मेटल पाइप एट इंटरवल टू टेक अकाउंट द चेंज इन पाइप लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट्स वाटर सप्लाई स्कीम के लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं हम अलग अलग टाइप के वॉल्व आप यूज करते हैं जैसे चेक वॉल्व ड्रेन वॉल्व स्लूस वॉल्व एयर वॉल्व ये सारे वॉल्व यूज होते हैं अगर आपको एयर आ जाए पाइपलाइन के अंदर अगर एयर एंट्रैप हो जाए वो ऑब्वियस सी बात है टॉप वाले जो पॉइंट्स होंगे वहां पे जाएंगे जो समिट वाले पॉइंट्स होंगे उन्हीं के ऊपर जाएगी तो ये जो समिट वाले पॉइंट्स होते हैं टॉप पॉइंट्स होते हैं वहां से एयर को रिलीज करने के लिए आप एयर वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं स्लूस वॉल्व की अगर हम बात करें तो ये गेट वॉल्व कहलाते हैं या शट ऑफ वॉल्व कहलाते हैं ये पानी के फ्लो को रोकने के लिए या चालू करने के लिए रेगुलेट करने के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं सो दे आर प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप एंड एसेंशियल टू डिवाइड द मेन्स इन टू सेवरेल सेक्शन ये मेन थी यहां पर अब इस मेन से पानी जो जा रहा था आप इसके अंदर स्लूस वॉल्व यूज करेंगे जिनसे कि यहां से पानी किसी और पाइप में अगर डाइवर्ट करना है इसके थ्रू आप चैनलाइज कर सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं

तो वो यहां सेटल हो जाता है और इस ड्रेन वॉल्व से हम उसको बाहर निकाल देते हैं सो ड्रेन वॉल्व का काम है टू रिमूव सैंड एटसेट्रा इन द उसके बाद आते हैं बटरफ्लाई वॉल्स ये लार्ज साइज की जो पाइप्स होती है उनके अंदर प्रोवाइड किया जाता है उसके फ्लो को रेगुलेट करने के लिए बॉल वॉल्व या फिर बॉल फ्लॉट वॉल्व ये वाले वो वॉल्व हैं जो आपके घर के पानी की जो टंकी होती है छत के ऊपर उसके अंदर लगे हुए होते हैं कि जैसे ही पानी भर जाता है जैसे ही पानी भर जाता है तो ये ऊपर ऐसे उठती रहती हैं और जो पानी इस पाइप से जा रहा था इसके अंदर जो पानी यहाँ से इसके अंदर जा रहा था उसका ये यहाँ पे वॉल्व को एंड कर देती हैं रोक देते हैं बंद कर देते हैं सो बॉल वॉल्व्स या फिर बॉल फ्लोट वाले जो वॉल्व होते हैं उनका काम होता है किसी रिजर्वर या टैंक के अंदर आपका अगर वो भर जाता है या जिस लेवल पे हमने इसको सेट कर रखा है उस लेवल तक भरते ही ये इसे बंद कर देता है प्रेशर रिलीज वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व अगर किसी पाइपलाइन के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया जैसे कि पाइप में पानी फ्लो हो रहा था अब एकदम से आपने उसका फ्लो रोक दिया बंद कर दिया कोई स्लूस वॉल्व बंद कर दिया तो अब उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है उस पाइप के अंदर उसके अंदर वाटर हैमरिंग होगी पाइप की वॉल पे एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा जब इतना ज्यादा प्रेशर एकदम से पाइप में अगर कहीं पे जनरेट हो जाए तो ये प्रेशर रिलीव वॉल्व ओपन हो जाता है या सेफ्टी वॉल्व ओपन हो जाता है जहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा जिससे हमारी सिस्टम को ये पाइपलाइन वाले सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचेगा वेन द प्रेशर ऑफ वाटर सडनली इंक्रीजेज एंड एक्सीड द परमिसेबल प्रेशर इट रिजल्ट इन वाटर हैमरेज

नेक्स्ट बात करेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की मंडे से जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसमें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग टू से रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे अगर आपने अभी तक अपनी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जैसे ही हमारे सेशनस हों आप तक इंस्टेंटली अपडेट पहुँच पाए थैंक यू सो मच मेरा नाम है संदीप जानी मिलते हैं हमारे अगले सेशन में टिल देन टेक केयर बाय बाय